कई एक भारी गिरावट आई क्यों क्योंकि खुले थे हम गिरावट लेकर लेकिन संभल गए थे अच्छी खासी रिकवरी थी फिर ये गिरावट कहाँ से आ गई देखिए गिरावट एक एक तो नहीं कह सकते गिरावट का माहौल तो यही कमजोरी का माहौल तो परसों भी था सोमवार को भी था लगातार तीन दिन से निफ्टी और तीन दिनों से बैंक लाल निशान में बंद हो रहे थे लेकिन हाँ गिरावट की मात्रा गिरावट की साइज गिर, एक तरफा गिरावट ये थोड़ी सी सरप्राइजिंग शॉकिंग हो सकती है हालांकि पीछे मुड़ के देखेंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा और आज की गिरावट के जो बड़े कारण है मैं बता दूं सबसे पहला बड़ा कारण है ईरान और इसराइल के बीच में बढ़ता हुआ तनाव जिसमें जब तक इसराइल आक्रमण कर रहा था तब तक बाजार ने रिएक्शन नहीं दिया लेकिन जैसे ही ईरान की तरफ से वापस से काउंटर अटैक आया दो मिसाइल्स जो लागी गई वो मामले को बढ़ा सकती ये डर बाज़ार को है और ये डर आपको कच्चे तेल से नजर आया हमने ये कहा कि जब तक कच्चा तेल ना बढ़े तब तक हमारे बाज़ार घटेंगे नहीं और आपने मंगलवार को ही देखा खबरें सब तरह से, 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 से आ रही बैरू से आ रही है लेबनन से आ रही है बाकी जगहों से आ रही है हिजबुल्ला की आ रही है लेकिन बाजार घट नहीं दे रहे mm. लेकिन बाजार तभी घटेंगे हमारे जब कच्चा तेल बढ़ेगा और कच्चा तेल अगर पचहत्तर डॉलर के आसपास आता है mm. तो वो हमारे लिए नेगेटिव और वो हमें ये इस पूरे जियोपोलिटिकल टेंशन की इम्पोटेंस mm. भी दिखाता है Correct. हमारे लिए इम्पोर्टेंस ये कि कच्चा तेल कितना बढ़ता है तीसरी बात जो है चीन में तेजी लौटने के बाद वहाँ के बाजार थोड़े आकर्षक ज़्यादा दिख रहे हैं लोगों को हमारे कम दिख रहे हैं देखो उगते हुए सूरज चढ़ते हुए सूरज को सब सलाम करते हैं है ना मतलब वो है ना सुबह सुबह उगते हुए सूरज को सब देते अर्जी देते हैं कभी आपने सूर्यास्त में रहते हो सुना है हार्डली कभी क्यों करेक्ट सो वाली बात है तो चीन के बाजारों में थोड़ी अभी जो स्टिमुलस पैकेज आए हैं रिजर्व घटाए हैं, उनसे वहाँ के बाज़ार ज़्यादा आकर्षक लगने लगे हैं हमारे मुकाबले में साथ ही एक बड़ा तबका यह भी मानना है मानता है कि भाई जब बाजार का टॉप अच्छी खबरों पे बनता है और अगर अमेरिका में जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा इंतजार था कि महंगाई काबू में आएगी दरें घटना शुरू होगी तो लगभग लगभग इकोनॉमी की मजबूती अच्छे नतीजे दरों की कटौती ये सारे अमेरिकी बाजारों के लाइफ आई में डिस्काउंटेड ऐसा मानने वाले लोग भी हैं तो उन्हें लगता है कि अब थोड़ा यहाँ से टॉप बनने का डर है पाँच बड़ा कारण है परसों जो आई खबर की सेबी ने एफएनओ के नियम कड़े किए हैं थोड़ा लोगों को डरे हालांकि आज के आज लागू नहीं हो रहे लेकिन मूड़ तो आज ही बिगड़ता है ना तो थोड़ा मूड उस वजह से भी थोड़ा कोशिश था कि भाई नए नियम आए इन सब के बीच में एफ आई दबा कर भेज रहे हैं परसों के सेशन में आठ करोड़ की बिकवाली उसके पहले बीस करोड़ की बिकवाली कैश स्टॉक और इंडेक्स फीचर्स मिला के तो थोड़ी बिकवाली का प्रेशर है वही कहूँगा बिकवाली का दबाव है ही हुई स्विगी जैसे आईपीओ खुलने जा रहे हैं इस महीने कई सारे बड़े आईपीओ पी आ रहे हैं ये भी तो पैसा बाहर निकालेंगे तो निकालेंगे या फिर जो पैसा अदरवाइज मार्केट में आ सकता था वो इन आई में जाएगा करेक्ट तिमाही नदियों का सीजन अगले हफ्ते शुरू हो जाएगा correct. और आशंका ये कि इस बार के नंबर्स पिछले बार के मुकाबले में और ज़्यादा ढीले रहेंगे पिछला क्वार्टर भी कोई बहुत अच्छा नहीं गया था मज़ा नहीं आया correct. बोलते कि इस बार तो शायद और भी कम मज़ा आया एक दो सेक्टर को छोड़ दें हम पी फंड्स और प्रमोटर्स इनकी तरफ से भी बिकवाली की आशंका है क्योंकि आप देखिए जैसे जैसे मौका मिलता है सारे प्रमोटर बेचने में लगे हैं थोड़ा थोड़ा हम बेच दें थोड़ा थोड़ा हम बेच दें वो हो ही रहा है और आखिर में सबसे बड़ी बात है कि अगर बिकवाली का दबाव है तो सामने खरीदारी का भी अभाव है जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो अब उतने बढ़िया मूड में दिख नहीं रहे के एक तो पहले कैसा था कि इंतजार करते लोग कब गिरेगा मिलूंगा अब इंतज़ार नहीं करें क्योंकि उनके गिरने के पहले उनका पोर्टफोलियो गिर चुका है है ना तो आप अगर देखो तो पोर्टफोलियो के हाल भाव जो है वो दो तीन हज़ार नीचे के निफ्टी के दिखा रहे हैं ना पच्चीस हज़ार की निफ्टी पर बाईस हज़ार के भाव है बैसा हाल है सो ऑलरेडी so जब पैसा बनता है तो वापस पैसा लगाने का बड़ा मूड होता है जब पैसा नहीं बनता तो फिर सोचते हैं कि यार ये पहले वाला मेरा निपट जाए चलो फंड वाले तो फिर भी ठीक है ऐसे वाले फिर भी ठीक है लगा रहे हैं लेकिन जिन लोगों को मार्केट में शेयर खरीदना वो सोचते हैं और पुराना तो बिके यही पड़ा हुआ है इसका तो भाव आए और अब सबसे बड़ी बात क्या हो कि जो बुलिशनेस ऑप्टिमिज्म में कैसे बदलती है बुलिश है तो आप यार मैंने खरीदा ये पाँच परसेंट दस परसेंट ऊपर बिकेगा और अब वो वहाँ से आप एक स्टेप जब नीचे आते हैं आप खरीदते हैं भाव नीचे हाँ मेरा भाव तो आ ही जाएगा <laughs> तब आप कमाने की नहीं सोचते तब आज मेरा भाव तो यही जाएगा मैं निकल जाऊंगा तब आप खाली निकलने के मूड में कि भाई ठीक है गल, गलत हो गया ले लिया पार्किंग हो गई अब मौका मिलेगा तब तो निकल जाएंगे वापस भाव आएगा तो वो वो जो बोयेंसी थी मूड में हाँ। वो गायब हो गई हाँ। वो 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 वैसा तेजी वाला मूड खत्म हो गया लूंगा कि भर भर के लेना है मतलब जो सबको वो लगता था पहले नौकरी छोड़ के लूंगा सोना बेच के लूंगा एफ तोड़ के लूंगा, लूंगा। उधार मिल जाएगा तो ले लूँगा पापा के सारे पैसे लेके यहाँ लगाऊंगा बताऊंगा पापा आपसे ज़्यादा स्मार्ट मैं हूँ <laughs> देखो आप इतनी मेहनत करते हो पूरे एक से तीस तारीख तक तो इतना सा बनाते हो मैं देखो तो ये ये सारी चीज़ें जो है ना ये थोड़ी ठंडी हो रही है अभी वक्त के साथ और भाव के साथ ये सब चीज़ें ठीक होती है ये है जो सारे ढूंढने के बहुत सारे कारण मिल जाएंगे आई एम श्योर इतनी काफ़ी है ओके okay. <laughs> चलिए तो बहुत सारे कारण हैं आज गिरावट के पीछे उस सर ने वो आपको बता दी लेकिन अब सर महत्वपूर्ण तो बात है कि लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट है पच्चीस तीन सो हम सोच रहे थे अच्छा सपोर्ट रहेगा उसे भी तोड़ दिया है पच्चीस दो के भी नीचे है अब कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है जहाँ नजर रखनी है सर देखिए पहली चीज़ तो क्या वैसे तो लेवल्स ठीक ठाक ही चल रहे थे लेकिन अब अभी जो दबाव बना है बाज़ार में वो डाउ फीटर्स में कमजोरी बढ़ने से बना है सुबह सुबह डाउ फ्यूचर आपके सुस्त थे इतने कमजोर नहीं थे पचास पच्चीस पचास, पचास पॉइंट ऊपर नीचे तो लेकिन अब धीरे धीरे डाउ फीचर बढ़े तो अब जो लेवल इंपॉर्टेंट है वो है कि पच्चीस हज़ार तीन सौ के ऊपर आज निफ्टी का बंद होना जरूरी है अब पच्चीस दो सौ पैंतीस पर अगर पच्चीस तीन सौ के नीचे बंद होता है तो थोड़ी सी नीचे के रिस्क आप खोल देते हैं पच्चीस तीन सौ के नीचे अगर जाते हैं तो फिर नेक्स्ट लेवल क्या नेक्स्ट लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान से नोट करिएगा चौबीस सात सौ पचास चौबीस नौ सौ पच्चीस ये लेवल कहाँ से आया ये लेवल सितंबर महीने के लोज है पहला और छः सितंबर और नौ सितंबर के हमने छः सितंबर का हमारा आ, क्लोजिंग बेसिस पे चौबीस आठ सौ पचास का लो है और नौ सितंबर का हमारा इंटरनेट चौबीस सात सौ पचास के आसपास का है इसलिए हमने चौबीस सात सौ पचास चौबीस नौ सौ पच्चीस की ये रेंज है ये हमने गिनी है ये अगला बड़ा सपोर्ट होगा आपके लिए okay. यहाँ पर डबल बोर्ड हम बनाने की कोशिश निफ्टी करेगा पूरी तेज़ी जो बनी है ना यहीं से बनी है सितंबर के लोध से हम सितंबर के हाई तक अक्टूबर के शुरुआत तक पहुँचे हैं वो ये ये सारी सारी तेजी सर तो सितंबर का हाई हमने टेस्ट कर लिया हमने देख लिया सितंबर का हाई आपका सत्ताईस तारीख का छब्बीस तीन सौ सतहत्तर और सितंबर का लो पच्चीस चौबीस हज़ार सात सौ पचास तो ढाई सौ छः सौ यानी सोलह सौ पॉइंट की तेजी आपने सितंबर के लो से सितंबर के हाई के बीच में देखी है करेक्ट ठीक है उसमें से आप करीबन करीबन हज़ार ग्यारह सौ पॉइंट निकल चुके हैं तो एक तरह से अगर आप देखें तो आपका लगभग लगभग पैंसठ परसेंट का रिफ्रेसमेंट जो होता है वो कंप्लीट होने आ रहा है आज के सेशन में तो अगर रुकना है तो ये रुकने के लिए बढ़िया जगह यहाँ नहीं रुकते तो डबल बॉटम आपको चौबीस सात सौ पचास चौबीस आठ सौ पचास के आसपास कहीं बनाना है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल नोट करके छः और नौ सितंबर के लोज के हैं ठीक है बैंक निफ्टी आज इक्यावन हज़ार छह के ऊपर बंद होना जरूरी है अगर इक्यावन के नीचे बंद होते हैं हम आज ठीक है ज्यादा दूर नहीं पचहत्तर पॉइंट ही दूर है तो फिर ऐसे में आपके लिए भी सितंबर की शुरुआत के जो लोज हैं हाँ। बैंक निफ्टी के छः सितंबर का लो है पचास पाँच सौ पचहत्तर का क्लोजिंग पे और नौ सितंबर का लो है पचास तीन सौ पचहत्तर का तो पचास तीन सौ पचहत्तर से पचास पाँच सौ पचहत्तर अगला बड़ा सपोर्ट होगा okay. सीधा यहाँ से बारह सौ तेरह सौ पॉइंट हज़ार बारह सौ पॉइंट जरूर नीचे ठीक है तो ये नोट कर लीजिए तो आज आपको पचास छः सौ पचहत्तर के सॉरी इक्यावन छः सौ पचहत्तर के ऊपर बंद होना जरूरी नहीं तो आप हज़ार बारह सौ पॉइंट के रिस्क नीचे के लिए खोल देते हैं ठीक है अब आगे होगा क्या पहला ग्लोबल टेंशन खत्म होने पर बाजार बढ़ते हैं या आपको हमको सबको पता है क्योंकि हमने इसराइल हमास रशिया यूक्रेन और पता नहीं दुनिया में जिंदगी में हमने क्या क्या देखा क्या क्या सुना है उसके बावजूद लाइफ हाई बनाते हैं बाजार तो जब भी टेंशन खत्म होगी बाज़ार वापस उछल जाएंगे लेकिन उसके पहले कितना गिरेंगे कितनी देर तक गिरेंगे और उछलने में कितना वक्त लगा ये किसी को नहीं पता इसलिए बाजार करते हैं ओके okay. इस समय हमारी सबसे बड़ी रस्त एफ की बिकवाली की है क्योंकि एफ आई एस की बिकौली का प्रेशर ऐसा नहीं कि हम पहली बार देख रहे हैं इससे बड़े बड़े प्रेशर हमने झेले हुए हैं लेकिन तब मूड अलग था तब खरीदने का मूड होता था अब खरीदने का मूड नहीं इसलिए अगर नहीं खरीदने का मूड है और उसमें बिकवाली आ जाए तो झेलना थोड़ा मुश्किल होता है सो तो बिकवाली का दबाव और खरीदारी का अभाव ये दोनों मिलकर अभी काम करते हुए दिख रहे हैं एफ अब आपको रिकवरी कब दिखेगी जब एफ आई एस की बिकवाली रुकने के संकेत आएंगे तभी आपको खरीदारी आती दिखेगी और जब कच्चा तेल वापस ठंडा होने लगे सो so, दो फैक्टर भारतीय बाजार के लिए इंपॉर्टेंट है जिस पे आपको फोकस करना है जिस दिन ये दोनों फैक्टर समझो कच्चा तेल आपका पचहत्तर छिहत्तर डॉलर से बहत्तर डॉलर के आसपास आया जिस दिन एफ आई आपके आठ हजार दस हजार पंद्रह हजार बेच के हजार दो हजार की बिकवाली में आ जाए या न्यूट्रल हो जाए ले लेना तो एफ आई सेल्स और क्रूड का कुल ऑफ दोनों ठंडे होने चाहिए एफ भी ठंडी हो जाए और कच्चा तेल भी ठंडा हो जाए उस दिन लेना है ठीक है डन तो अब सर अब ऐसी स्थिति में ट्रेडर्स को क्या करना है एक काम करना चाहिए कुछ नहीं करना चाहिए अच्छा सुबह हाँ मतलब बेसिकली uh, बहुत आप स्किल ट्रेडर है शॉर्ट आउट करना अच्छे से जानते हैं जल्दी से घूम जाते हैं स्टॉक पर देखिए आज रिकवरी तो दी लेकिन पच्चीस छः सौ पैंतीस हमारा जो लेवल था उसको वहीं पे जाके टॉप बना दिया वहीं से घुमा इतना गंदा तरीके से घुमा के पूछे मन टिका ही नहीं सो इसका मतलब क्लियर करते कि या तो आप ऊपर में बेचना जानते तो अच्छी बात है जो कि नाइन्टी लोग नहीं जानते हैं जिसकी सेबी ने रिपोर्ट निकाली जो जो लॉस करते हैं वो बेचना नहीं जानते ये फैक्ट है माने या नहीं माने ठीक है ना सो इसलिए बेहतर ये कि कुछ ना करें इंटर डिपोजिशन कम रखें और, और नेट तो बिल्कुल ना रखें न तेजी के ना मंदी के दोनों में रिस्क है विक्स में बड़ा उछाल आया पंद्रह परसेंट बढ़कर आया विक्स ठीक है तो विक्स बढ़े बढ़ावा विक्स ये बता रहा है कि आपकी वॉलीटिलिटी बढ़ने वाली है अगर आप संभाल सकेंगे तो ठीक है नहीं तो मतलब नहीं ज़्यादा उछल कूद करके ठीक है इन्वेस्टर्स के लिए कैसे मौके हैं सर ए हाँ ये अच्छा सवाल है आपका जो इन्वेस्टर्स करेक्शन का इंतजार कर रहे थे जिनको लेना था उनके लिए मौका बन रहा है हमेशा ग्लोबल गिरावट के बाद मौका बनता है और ग्लोबल गिरावट में जब भी हो और जब कोई जियो टेंशन की वजह से गिरावट हो एक बार में कभी नहीं खरीदना थोड़ा थोड़ा पैसा लगाने का वक्त आ गया और पहली करेक्शन में पहली बार पैसा लगाने का टाइम अभी आ गया यह पच्चीस हजार तीन सौ के आसपास आपको पहला इन्वेस्टमेंट करना चाहिए चौबीस सात सौ पचास आठ सौ पचास आएगा तो दूसरा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए बीस परसेंट के आसपास का पैसा आप इस लेवल पे लगा सकते हैं और बीस से पच्चीस परसेंट पैसा आप चौबीस सात सौ पचास चौबीस आठ सौ पचास की रेंज में आएगा वहाँ पर वहाँ लगा सकते हैं ये दो लेवल में पहले जाऊँगा आगे के मैंने निकाल लेनी क्योंकि अभी तक मुझे जरूरत नहीं लगी और ये चार सेक्टर अच्छे दिख रहे हैं इस वक्त लेकिन साथ ही आपको ये देखना हो जो स्टॉक्स अच्छे करेक्ट हो चुके हैं अपने टॉप से 50, -50 share, 60 परसेंट घट चुके हैं जिनका फंडामेंटल बढ़िया कोई डिफेंस शेयर साठ परसेंट समझो टॉप सेल बी एल वगैरह वहां लेना है आपको तो उस समय देखेंगे कौन सा सस्ता मिल रहा है बट इन जनरल इन सेक्टर्स